मेरे मन में एक तो यह है कि देखिए बहुत सारी बातें चलती हैं, स्टूडेंट्स को है कि उन सबसे परेशान ना हो, आपका जो स्कोर है उसके हिसाब से आप प्रेफरेंसेस चुनने में मेहनत करें थोड़ी, और बहुत सारे प्रेफरेंसेस चुने आप, क्योंकि अगर मान लिया फिजिक्स ऑनर्स हम 20 कॉलेज में दे रहे हैं मान लेते हैं, तो आपको 20 के 20 का ऑप्शन ले लेना चाहिए। आपका फिजिक्स ऑनर्स अगर फर्स्ट ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए फिर अगर प्रेफरेंस 2 है आपका वो, तो उसके भी जितने कॉलेजेस हैं आप अपने प्रेफरेंसेस उसमें दे दो, जिस कारण से आपको बेस्ट प्रेफरेंस एल्गोरिथम से आपको मिल पाए। अगर उसमें आप थोड़ी भी कोताही करोगे या कंजूसी करोगे ना, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है यदि थोड़े ऑप्शन दोगे। पर आप सबकी समस्या को ध्यान में रखते हुए सेकेंड राउंड के बाद यूनिवर्सिटी मिड एंट्री खोलेगी एक बार। उस मिड एंट्री में जो बच्चे रजिस्टर किसी कारण से नहीं हो पाए वो रजिस्ट्रेशन नए वाले कर सकते हैं। और दूसरा, आपने दो राउंड में देख लिया, आपको भी अब एक रियल, अभी तो क्या है देखिए हमारे पास पुराना कोई डेटा नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि क्या होगा, लेकिन दो राउंड के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या मिला है और फर्दर क्या मिल सकता है। फिर आप प्रेफरेंसेस भी अगर चेंज करना चाहेंगे तो सेकंड मतलब मिड एंट्री जो सेकंड राउंड के बाद होगी उसमें हम आपको चेंज भी अलाउ देंगे करेंगे।